अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शोरूम पे जहाँ पर अगर आप आएँ और चीज़ लेकर जाएँ तो इंशाल्लाह आपको खवारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइट में की गाड़ियाँ होती हैं, मगर वो खवारी जो आपने घूम घूम के काटनी है, किसी मैकेनिक को बुला के काटनी है, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर आएँ, दो पैसे ज़्यादा दें और टेंशन फ्री होकर जाएँ। जी हाँ, तो मैं मौजूद हूँ सुभान मोटर्स पे और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मुताहिर भाई। मुताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं अब्दुल-अज़ीज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सर प्लीज बताएं कि क्या क्या माल इकट्ठा किया हुआ है और हमें इसके डिटेल्स बताएं प्लीज। ये 2018 मॉडल की ऑल्टर्स है। अच्छा, सुपर वाइट कवर, टोटल विजन पेंट की, विजन मालिश वाली है। ठीक है, 17,000 चली हुई है। सही है, और बिल्कुल ब्रांड गाड़ी है। आप देखें, छोटे से एक स्क्रैच है, हल्का सा कलम है, कैमरे में नजर भी नहीं आ रहा है। बम्पर भी जेन्युइन है, बिल्कुल ओरिजिनल बम्पर्स में है, ओरिजिनल बॉडी में है, ओरिजिनल मालिक में है। पैसे और इसकी डिमांड 3 मिलियन है। ठीक है, नेगोशिएबल प्राइस हो जाएगी। 1.6 ऑटो, 3 मिलियन, फेसलिफ्ट है ऑब्वियसली। 18 तो है ही फेस। हाँ, वो 17 में हो गया था ना। ठीक है सर, गाड़ी ब्रांड न्यू है। इधर 2017 की सिटी है जी, ऑटो ट्रांसमिशन में है, 60,000 इसकी माइलेज है, इसके टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सर 1.3 ऑटो, 1.5 ऑटो, 3 ऑटो स्टैंडर्ड ऑटो 1.3 होती है जी, और टायर इसके ब्रांड न्यू है, माइलेज इसकी भी 60,000 ओरिजिनल है। जैसे इसका एक रेयर फेंडर जो है ना, राइट साइड का वो पेंट है, पिछला राइट फेंडर टच है, रेयर फेंडर। इसके अलावा जो है मुझे स्क्रैचलेस ही लग रही है। माइनर ही था, कोई स्क्रैच होगा तो होगा, लेकिन ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं। फिट है, फिट है, फिट है। इंटीरियर देखना था इसका था। ठीक है, ठीक है। कोशिश इसको बड़ी अच्छी हुई हुई है, 60,000 चली हुई है। और डिमांड क्या बताइए आपने इसकी? इसकी 2175 के पास की है, 22:17 मॉडल, 1.3 ऑटो, 60,000 टन। ये नई ग्रिल वाली है, और जो नया उसमें नया रिमोट आया हुआ है, एंटी थेफ्ट सिस्टम वाला। अच्छा, वाली है इमोबिलाइजर वाली, कह रहे हैं आप? इमोबिलाइजर वाली है। इमोबिलाइजर सिटी में कब आया था? 2017 मिड के बाद आ गया था। तो ये 2017 के मिड के बाद की गाड़ी है। सर वैगन आर का बताएं सर? 2019 की बम्पर, 2 बम्पर ओरिजिनल। ठीक है, वही एक्स्ट्रा इम्पोर्टेड टायर डल्स हैं। ये जो जेन्युइन आ रहे हैं आजकल, जेन्युइन इस पे लोकल है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है। ये कितना का टायर है सर? एक ये तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का एक टायर है। एक टायर है, ठीक है। टायर इसके चेंज है, 19,000 चली हुई है, और बिल्कुल न्यू कार है, एज गुड एज। VXL वैगन आर। सर पैसे? इसकी डिमांड जो है 16 है, 16 लाख रुपए माइनर नेगोशिएबल है। सर तो 0 मीटर कितने की आ रही है? 1624 प्लस विद होल्डिंग है, प्लस रजिस्ट्रेशन है। तो कितने कॉस्ट कर रही है? 100,000 की इसमें सेविंग है। अच्छा, 4-5 महीने चला के टोटल कॉस्ट से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो जीरो है वो हमें 17 ही कॉस्ट कर रही है। कॉस्ट करती है आपको 16 की। आजकल माइनस नहीं चल रहा वैगन आर, डिस्काउंट है, लेकिन जितना माइनर नहीं भी होगा उतना हम इसमें कर देंगे। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, मैं पता चले ना कस्टमर्स को। ये एक्सेल आई है, 19 की एक्सेल ही ऑटो है। ठीक है, सिर्फ 5,000 चली है, और बम्पर, 2 बम्पर जेन्युइन है, कोई इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। अच्छा, और ओरिजिनल माइलेज में है। कितनी चली हुई? 5,000। ठीक है, इसमें एडिशनल आप देखेंगे, इसमें एंड्रॉइड सिस्टम लगा हुआ है। जेन्युइन आया कि आफ्टर? बाद में लगता है। अच्छा, वो एंड्रॉइड सिस्टम, वो बड़े वाला टीवी लगा हुआ है। ओके, फिट सही है। तकरीबन को 35-40,000 का सिस्टम है। अच्छा, ब्रांड न्यू गाड़ी है। पैसे सर? पैसे इसकी आस्की जो है 26-25 है, 26-25। 26। सर जीरो का क्या रेट है? 0.2668 की है। ठीक है, लेकिन अभी वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं 1,25,000, लेकिन वो डिस्काउंट जो है स्पेशल कस्टमर्स के लिए, उनके लिए है जो 2019 दिसंबर में लें ना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है ना, उसमें आपको एंड्रॉयड मिलता है, तो हम इसमें उस हिसाब से डिस्काउंट जरूर करेंगे। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल एज न्यू। यानी आपके पास अगर कोई आए तो प्लस है? जी जी बिल्कुल। क्या प्लस है प्लीज बताएं? तकरीबन ऑलमोस्ट उसमें 100,000 की टोटल कॉस्ट से अगर कैलकुलेट करेंगे तो बचत हो जाएगी। आप अगर एक बंदा 0 मीटर लेने जाए और आपके पास आए तो उसको लाख रुपए का बचेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो रजिस्टर्ड गाड़ी ले रहा है, 5,000 चलिए। टोटल कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे ना टोटल में से, जी जी, नई की प्राइस प्लस रजिस्ट्रेशन। बस ये है कि क्योंकि गाड़ी तो एकदम शीशा लग रही है, साफ लग रही है सारी, बिल्कुल नई। बम्पर भी इसके जो है आप देख सकते हैं, 5,000 डन है, तो आई गेस लाख रुपए की बचत इज गुड एनफ। सर ये वेट्स का बताएं सर? 2015 की, 19 की इम्पोर्ट है, 19 का ही नंबर है। अच्छा, 4.5 ग्रेड की गाड़ी आई हुई है जापान में। ठीक है, और ओरिजिनल माइलेज इसकी ऑप्शन शीट पे 33,000 है। अच्छा, अभी लोकल जो है 4,000 चली है सिर्फ। अच्छा, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल इधर से आप देखें ना, टायर भी इसके चेंज है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। सर पैसे बताएं सर? इसकी 21 आस्किंग है, 21 लाख रुपया
इस वक्त नई जो है आप अगर फ्रेश 15 मॉडल कहीं से लें 19 की लें तो आपको वो 22.5 से कम नहीं मिलेगी। अच्छा, ये आपको इंशाल्लाह 21 डिमांड है तो और प्राइसेस पे थोड़ी 15-19 नंबर कब इसको लगा था? ये भी मेरे को तीन चार महीने पहले लगा है। मुताहिर भाई, ये होंडा वीजल का बताएं। 2016 मॉडल है, 2016 और ये 18 में इम्पोर्ट हुई हुई है और 18 का नंबर लगा हुआ है। ठीक है, टोटल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, 38,000 चली हुई है। अच्छा, जेड पैकेज में ब्राउन इंटीरियर के साथ है। है पैकेज जेड? जेड है, हाइब्रिड। ठीक है, वो ब्राउन इंटीरियर के साथ है, मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग वगैरह ये है। ठीक है, सही है, फिट है। इसकी 3950 आस्किंग है। ठीक है, और प्राइस निगोशिएबल हो जाएगी इसमें। सर जेड पैकेज में तो वो ब्रोनो आता था, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ब्रोनो नहीं है, है वो तो ये है, लेकिन ये ब्लैक लेदर है सारा। अच्छा, मगर है दैट पैकेज, मतलब इसको हम ब्रोनो कस्टमर कहते हैं कि जी, वो उसको कह देते हैं जो ऑरेंज इंटीरियर है जी, लेकिन इसमें वाइट भी आता है। वाइट भी आता है, हाँ वो तो सब पता है, भी आता है ऑरेंज भी आता है, मगर ये एक्स नहीं है, ये जेड है जी, है ये जेड। ठीक है, हाइब्रिड वीजल आपने हमें बताया, 16 मॉडल है, 18 का नंबर है, 18 की इम्पोर्ट है, और चली कितना हुई है? 38,000। ठीक है, 38,000 चली हुई है, 3950 इसकी डिमांड है। ऑक्शन शीट बोलती है जी, ऑक्शन शीट अवेलेबल है। सही है सर, इसका बताएं सर, ये कौन सी गाड़ी है? 17 की ग्रैंडी है, 17 की ग्रैंडी है, ओल्ड शेप में, ओल्ड शेप। ठीक है, टोटल जेन्युइन है ये भी। ठीक है, 56 चली हुई है, इसके टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी, टायर बहुत जबरदस्त लग रहे हैं सर, इसके टायर ब्रांड न्यू है, तकरीबन सिर्फ 5 से 6 हज़ार चले हुए। अच्छा 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 अच्छा, ब्रांड न्यू कार है, इसकी आस्किंग 29 है, इसमें मैंने माने नेगोशिएबल कि है ओरिजिनल पेंट, ग्रैंडी 17 मॉडल, ओल्ड शेप है, ओल्ड शेप, टोटल जेन्युइन और 29 इसकी आस्किंग। 2018 अच्छा, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, सही है, ओरिजिनल 11,000 चली हुई है, और नए मीटर वाली 2018 में जो उसका मीटर नया आया था, नया आ गया था, किस महीने में आया था ये? तकरीबन जुलाई या अगस्त में आया था, तो नए मीटर वाली है, मीटर वाली और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। मैं देख रहा हूँ सर, माशाल्लाह सारी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ यहाँ पे आपके पास। मुझे सर पैसे बताएं सर इसके? इसकी 3550 डिमांड है, 3550 ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो शायद आपको थोड़ी प्राइस ज़्यादा लगे, लेकिन ना तो इसमें कोई टचअप है, ना इसमें कोई स्क्रैच है, ना इसका कोई मीटर पीछे है, ना इसमें कोई मसला है। सर आप बताए थे, आपके पास ऐसी एक और भी है 2017 की है। अच्छा, 18 का नंबर लगा हुआ, वो भी कंडीशन ऐसी है, कलर वो ब्लैक कलर में। अच्छा, उसकी डिमांड 3250 है। अच्छा, वो शायद वाली वो किसी कस्टमर की है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। वो कितना चली हुई है? वो 28,000 चली हुई है। अच्छा, ब्रांड न्यू गाड़ी, 3 लाख रुपए का फर्क एक मीटर के पीछे। मीटर नहीं, वो 17 मॉडल है, ये 18 है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, मॉडल 17 है। ठीक है, रजिस्टर्ड 18 है, ये मॉडल भी 18 है और नंबर भी 18 है। वो कब आ जाएगी अपने पास? वो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आ जाएगी गाड़ी। सही, स्विफ्ट के बारे में बताएं। स्विफ्ट है मेरे पास, ये मैनुअल है, ये मैनुअल है जी, मगर है DLX वाली, ABS वाली है, मैनुअल है। ठीक है, 30,000 चली हुई है। अच्छा ठीक है, DLX और 2017 अक्टूबर की है। सही है, फिट है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। इसी में स्विफ्ट में मेरे पास एक ऑटो भी है। अच्छा, वो 2019 की है। अच्छा, वो भी 16,000 चली हुई है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। ठीक है, उसकी डिमांड 20.5 है, इसकी डिमांड 17.5। ये मैनुअल, एक मिनट, ये मैनुअल है 1.3 DLX जी, कितना चली हुई है? 13,000 13,000 क्या डिमांड है इसकी? इसकी 17,500 जो आपके पास नेगोशिएबल है, 17,500 जो आपने ऑटो बताई है वो 2019 मॉडल है। हाँ, DLX ऑटो है, ऑटो है, वाइट है, कलर वाइट है, वो 16,000 चली हुई है। ठीक है, 20-50 डिमांड है, 20-50 डिमांड, लेकिन गाड़ियाँ दोनों टोटल ओरिजिनल में, टोटल जेन्युइन जेन्युइन माइलेज के साथ, बंपर भी ब्रांड न्यू, बंपर टू बंपर जेन्युइन, ये भी 17 भी बंपर, इसका भी बंपर जेन्युइन है, और ये गाड़ी जैसे देख लें इंशाल्लाह 17 मॉडल में ऐसी गाड़ी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है इंशाल्लाह। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुताहिर भाई के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। मुताहिर भाई, आपका वक्त बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह वो आएगी तो आप मजीद आपको अपने कस्टमर्स को अपने फॉलोअर्स को मजीद हम आपने इंशाल्लाह गाड़ियाँ बताएंगे ताकि उनके लिए मजीद आसानी हो। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको अच्छी गाड़ी अच्छे प्राइस में ज़रूर मिलेगी, आपको ट्रबल लेस कार होगी, आपको फील होगा कि मैंने अपने जो पैसे स्पेंड किए हैं उसमें मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।